ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछाने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गुफा में मीटिंग देखते हुए सभी हॉल में आ जाएंगे। गुफा मीटिंग देखे सभी हॉल में रुकना है। जी जी मीटिंग देखे। ये गुफा में गुप्त मीटिंग होती थी। अच्छा चलो आगे अपन ये गुफा में भी जाएंगे। वहाँ आगे हैं, ये गुप्त मीटिंग होती थी।